राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बाबा मोहन राम की। कैसे हैं आप सभी? आशा है सब कुशल मंगल होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगस्त के महीने में बाबा मोहन राम की दोज कब आएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। जो बाबा मोहन राम के भक्त हैं वो कमेंट में जय बाबा मोहन राम ज़रूर लिख के जाना, और जो बाबा मोहन राम के भक्त हैं जो दोज के बारे में जानना चाहते हैं तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं दोज से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ कि दोज का महत्व क्या होता है, और साथ ही मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊँगी कि सितंबर में द्वितीया कब आने वाली है, द्वितीया क्या तारीख है और वो कौन से पक्ष की द्वितीया होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। तो चलो अब करते हैं वीडियो की शुरुआत, जिसमें हम बताने वाले हैं कि अगस्त के महीने में बाबा मोहन राम की दोज, छोटी दोज और बड़ी दोज किस महीने में आने वाली, कौन सी तारीख को आने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोज तिथि का महत्व। दोज तिथि का महत्व विभिन्न धार्मिक और सिद्धि कार्य के लिए होता है। इस दिन विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस तिथि का देव ब्रह्मा जी हैं। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि का एक अन्य नाम सुमंगला है। अगर किसी माह में यह तिथि दोनों पक्षों में बुधवार के दिन पड़ती है तो इसे, ऐसे में इन्हें सिद्धता कहा जाता है। सिद्ध तिथि अपने नाम के अनुसार फल देने वाली मानी जाती है, अर्थात इस तिथि में किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, आपको समझाने में गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हिंदू कैलेंडर में एक चंद्र मास में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में 15-15 दिन की तिथियां होती हैं। दोनों पक्षों में 14 तिथियां सम्मान होती है, लेकिन कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। अब जानते हैं बाबा मोहन राम की दोज अगस्त में कब है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हर महीने में दो दोज आती हैं, एक छोटी दोज और एक बड़ी दोज। तो आइए जानते हैं वो कब है। अगस्त के महीने में 6 तारीख को शुक्ल पक्ष की दोज पड़ेगी, जो छोटी दोज मनाई जाएगी, और 21 तारीख को कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि होगी, जहाँ बाबा मोहन राम की बड़ी दोज मनाई जाएगी। इस दिन, इन दोनों पावन दिनों पर बाबा मोहन राम को खोली दर्शन पर जाया जाता है, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। कई भक्त, लाखों की भीड़ में कई सारे भक्त बाबा मोहन राम से मन्नत मांगने और उन्हें प्रसाद चढ़ाने इस वक्त खोली में आते हैं। दोज वाले दिन व्रत रखा जाता है, बाबा मोहन राम से मनोकामना पूर्ण होने के लिए व्रत रखा जाता है। बाबा मोहन राम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, बाबा मोहन राम की मेहर प्राप्त करने के लिए भी व्रत रखा जाता है। कई ऐसी परिक्रमाएं होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाबा मोहन राम को के व्रत रखकर हम पूरी कर सकते हैं। कई परिक्रमा होती हैं, कई विधि होती है, कई साधन होते हैं, साधना होती हैं, कई मंत्र जाप होते हैं जिनसे हम बाबा मोहन राम की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, बाबा मोहन राम के मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, बाबा मोहन राम की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो उस पूरी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे ग्रुप में जुड़े, JBMR ग्रुप की फैमिली में आप शामिल हों। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग हमारे JBMR ग्रुप में जुड़ जाएँ और हमारी फैमिली कम्प्लीट हो जाए। फिर मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय बाबा मोहन राम की। Thank you.